इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दिल्ली इलेक्शन 2020 को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर दिल्ली की कमान केजरीवाल के हाथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज 70 सीटों पर मतदान हो गए। एग्जिट पोल के नतीजों में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाती दिख रही है। आज आए कई एग्जिट के नतीजों में आपने बीजेपी को काफी पीछे छोड़ दिया है, वही कांग्रेस का खाता भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 44 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी को 26 सीटें मिल रही है, वही कांग्रेस का खाता अब तक नहीं खुला है। ऐसे में आपकी सरकार बनती दिख रही है। वही इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल के अनुसार आम आदमी पार्टी को 53 से 57 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, बीजेपी को 11 से 17 सीटें, वही कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। रिपब्लिक के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 48 से 61 सीटें, बीजेपी को 9 से 21 सीटें और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलती दिख रही है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 44 सीटें, बीजेपी को 26 और वही कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। टीवी 9 के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 54 सीटें, बीजेपी को 15 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। वही बात करें अगर न्यूज एक्स के एग्जिट पोल के बारे में तो आम आदमी पार्टी को 50 से 56 सीटें, बीजेपी को 10 से 14 सीटें, वही कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता दिखाई दे रहा। तो दोस्तों ये थे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के एग्जिट पोल की रिपोर्ट। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।